इंजेक्शंस, इतने सारे कॉन्डम्स क्या कर रहे हैं इस आश्रम के अंदर? दिल्ली में निकला आसाराम और राम रहीम से भी डेंजर बाबा। दिल्ली के विजय विहार में चल रहे अत्याधुनिक आश्रम में 1000 से ज्यादा लड़कियों को बाबा अपने अय्याशी के लिए रखे हुए थे। बाबा के आश्रम में इंजेक्शन, कंडोम, चरस और गांजा, अफीम जैसी अय्याशियों की सारी सुविधाएं मौजूद थी। मामला तब सामने आया जब एक लड़की अपने घर से 8 लाख रुपए लेकर भाग गई और वो बाबा के आश्रम में जा पहुंची। जब लड़की पकड़ में आई तो वो भयानक नशे में थी। इस वीडियो को पूरा देखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर ढोंगी बाबाओं को एक्सपोज करें। अकेले बात करने के लिए जब मैंने उसको बोला कि मुझे इससे अकेले बात करनी है, सारी ये औरतें जितनी भी सन्यासी है आसपास आके खड़ी हो जाएंगी। आदमी यहाँ पे अलमारियों के अंदर मिल रहे हैं, बंद अलमारियों के अंदर। पुलिस देख नहीं रही कि ये कौन सा आश्रम है, कहाँ से वैलिडिटी है, इस आश्रम के अंदर क्या होता है क्या नहीं होता है। इतने पर्दे, इतने ताले, इतनी तिजोरियां, इतने सारे लोग, अफीम गांजे की बदबू, इतने सारे इंजेक्शंस, इतने सारे कॉन्डम्स क्या कर रहे हैं इस आश्रम के अंदर? क्या प्रशासन अंदर जाके देख नहीं सकता कि अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? मैं चाहती हूँ कि पूरे सब लोग, हम लोग यहाँ से बिल्कुल नहीं हटेंगे, हम सब यहीं पे रहेंगे, पूरा मोहल्ला, पूरी जनता हमारे साथ है, एक आदमी भी यहाँ से नहीं हटेगा चाहे सैकड़ों पुलिस आ जाए। क्या कुछ कार्रवाई चाहते हैं? हम चाहते हैं कि पूरे आश्रम को बंद किया जाए, सबको बाहर निकाल के मेडिकल करवाया जाए, एक एक औरत का मेडिकल करवाया जाए। यहाँ पे ड्रग्स चलते हैं, यहाँ पे रात को औरतें निकलती हैं। हमने यहाँ पे देखा करवा चौक पे इतनी सारी इंजेक्शंस निकले हैं, रात को 2 बजे औरतें, कौन से आश्रम में रात के 2 बजे औरतें एस्कॉर्ट होती हैं, लग्जरी कार से इस आश्रम के अंदर। ये आश्रम दूसरे फ्लैट के साथ कनेक्टेड है, व्हाट एल्स? अब जैसे चलते चलते सुबह 4 बजे वीरेंद्र देव दीक्षित का फोन आता मेरे पास कि नंदकिशोर रोजी को समर्पित कर दो। अब हम तो उसको भगवान समझते थे, हमें थोड़ी पता था कि वो है, तो हमने रोजी को वहाँ समर्पित कर दिया। और नहीं, मैंने उससे पूछा कि जी आपने कहा कि जब ये 18 साल की हो जाएगी और जब ये कहेगी तो समर्पित कर दूँगा, तो उसने मुझे कहा कि नहीं नंदकिशोर, 18 साल से पहले कन्या को माँ बाप समर्पित कर सकते हैं, माँ बाप का अधिकार होता है, तो आप समर्पित कर सकते हो। क्योंकि हम तो उसको भगवान के रूप में देखते थे, इसलिए हमने, मैंने और मेरी युगल ने उसको समर्पित कर दिया। समर्पित करने के बाद उसने कहा कि वो तो मर गई, उससे मिलने नहीं दिया जाएगा। अब हम तो भगवान समझते थे, तो मैं भी यहाँ तक चलता रहा, तो उससे मिलने नहीं दिया। अब 2016 में जनवरी में यहाँ स्टेडियम बना रखा, अंदर 7-7 तालों के अंदर हमें मिलवाया, उससे हमें बात नहीं करने दी गई। अच्छा, हमने उसको कहा कि बेटे, जब हम मिलने आए तो 3-4 घंटे तो हमें मिलाने में ही लगा दिए उसको, पता नहीं कहाँ, कभी ना कभी दांत का इलाज करा रही है, कभी कुछ करा रही है, इस तरह से 3-4 घंटे बाद उसने मिलवाया। तो फिर हमने कहा कि बेटे यहाँ हम भगवान का पार्ट समझते थे, यहाँ भगवान का पार्ट नहीं, यहाँ शैतान का पार्ट है, ये रावण का पार्ट है, ये सूअर का पार्ट है।